हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारी यह करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, जिसमें हम इस सितंबर माह में अगस्त महीने के तमाम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को करेंगे, जो हमारे आने वाले तमाम परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होगी। और सबसे ज़्यादा हम आने वाली सब इंस्पेक्टर RS और जो RPSC द्वारा कंडक्ट की गई सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड पर हम फोकस करेंगे। तो हम समझेंगे कि कैसे RPSC किन कीवर्ड्स का उपयोग अपने पेपर सेटिंग में करती है और कैसे वो करंट अफेयर्स को पुट आउट करती है। जैसा कि आप टाइटल से समझ चुके होंगे कि मेक्सिको ने एक प्रस्ताव रखा है कि वो एक आयोग बनाना चाहता है। आयोग किस संदर्भ में, क्योंकि आपने हाल ही में पास्ट में जाके देखें, थोड़ा समय लास्ट फरवरी में हम बात करें तो यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हुआ था वो आज तक थमा नहीं है। लगातार डायरेक्टली इनडायरेक्टली छदम तरीके से युद्ध हो रहा है, इसे हम प्रॉक्सी वार भी कह सकते हैं। तो कई बार युद्ध अलग अलग तरह के होते हैं, प्रॉक्सी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हर तरह के युद्ध की गति को संचालित किया जा रहा है। चाहे हम बात करें प्रॉक्सी हो, चाहे डायरेक्ट हो, चाहे रासायनिक युद्ध हो, तमाम पहलुओं को रूस और यूक्रेन द्वारा संचालित हो रहा है, फरवरी से लगातार चल रहा है। इसी संदर्भ में यह आयोग इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेक्सिको ने यह प्रस्ताव लाया है कि वह एक 3 सदस्यीय आयोग बनाना चाहता है, जिसमें कुछ लीडर्स होंगे जो विश्व में शांति के लिए, जो लोग नागरिक हैं जो युद्ध के संकट को झेल रहे हैं उनको राहत प्रदान करने के लिए, और युद्ध की जो विभीषिका है उसके जो परिणाम हैं वो बहुत घातक होते हैं किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए। तो यहाँ इन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि मेक्सिको के राष्ट्रपति कौन हैं। देखो, मेक्सिको के राष्ट्रपति का प्रश्न आने वाली वनगार्ड कॉन्स्टेबल परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेक्सिको के राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो मेक्सिको के राष्ट्रपति का नाम है आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। याद रखें, अलग ही तरह की लैंग्वेज वहाँ पे प्रयोग होती है, कई बार वहाँ पे अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेज है। मेक्सिको में स्पेनिश भी बोली जाती है और फ्रांसीसी भी बोली जाती है। तो हमें याद रखना चाहिए कि मेक्सिको में राष्ट्रपति कौन है, आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये, क्योंकि इन्होंने विश्व के इनिशिएटिव के लिए ये कदम उठाया है। तो अभी कंटेम्प्रेरी रूप से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो बात भारत विश्व शांति की बात करता था वही मेक्सिको के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है कि मेक्सिको की सरकार चाहती है कि एक आयोग बने जिसमें 3 मेंबर हों। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मेंबर में शामिल किया गया है। ये आयोग होगा, उसमें 3 मेंबर होंगे। इसमें मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरस और पोप फ्रांसिस, 3 लोगों को शामिल किया जाएगा। तो लगभग अभी फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन संभावना पूरी है कि यहाँ पर 3 लोग होंगे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस और पोप फ्रांसिस। इन्हें याद रखें, इन 3 नामों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इस कमीशन का जो स्ट्रक्चर है इन 3 के भरोसे तैयार होगा। इस बेस पे इनका उद्देश्य क्या होगा और क्या लाभ होगा ये भी हम जान लेते हैं। इस आयोग का उद्देश्य तो यही है कि सबसे बड़ा उद्देश्य है कि विश्व भर में जो नागरिक संकट झेल रहे हैं युद्ध के नाम पर, उनको राहत मिलेगी और युद्ध रोकने का प्रयास होगा। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह होने वाली है कि कम से कम 5 सालों तक कोई भी युद्ध नहीं हो, युद्ध विराम की संधि सुनिश्चित करेगा यह आयोग। और तमाम दोस्त जो इस पे देश हैं, जो भी देश है, तमाम इस पर जो इस हस्ताक्षर करेंगे उसके आधार पर यह माना जाएगा कि वे देश अगले 5 सालों तक किसी भी तरह की युद्ध विभीषिका में शामिल नहीं होंगे। तो ये मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में, सरल भाषा में समझा दिया है कि वैश्विक शांति की पहल है ये। मेक्सिको इसको प्रस्ताव लेके आया है, 3 देश शामिल होंगे जो मेंबर कंट्री होंगे, इस आयोग के मेंबर भी होंगे, मोदी जी शामिल हैं, UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरस शामिल हैं और पोप फ्रांसिस शामिल हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि
मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो मैं सभी बातें महत्वपूर्ण बता चुका हूँ, आप एक बार देख लीजिए इसको स्क्रीन पे, ताकि आपके सामने सारी कहानी एक बार फिर से ताज़ा हो जाए। मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं लोपेज ओब्रेडोर, ओके। राष्ट्रपति ने 3 मेंबर के लिए संभव सदस्य की बात कही है मैक्सिको के, ओके। आयोग का उद्देश्य क्या है? युद्ध की रोकथाम करना, 5 सालों तक युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर करना। बेनिफिट क्या होंगे सरकारों को? एक तो इकोनॉमिकल फ़ायदा भी होगा, युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है, युद्ध की विभीषिका नहीं झेलनी पड़ेगी और अपने आर्थिक विकास पर भी ध्यान दे सकेगा। अगली खबर है अमेरिका की। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनकी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन की है, और इसमें एक हिस्टोरिकल फैसला हुआ है कि जो क्लाइमेट चेंज और जो हमारी हेल्थ अवेयरनेस पे एक बिल लेके आई है उसको कानून रूप दे दिया है। और इस बिल में ये बात कही गई है कि हेल्थ की देखभाल की जो लागत है उसको कम किया जाए। अब लागत से कैसे समझेंगे? सबसे बड़ी बात तो है कि दवाओं का कॉस्ट थोड़ी कम होगी, जाँचें होगी वो सस्ती होगी। लगभग इस प्रोजेक्ट पर, इस बिल पर $375 अरब निवेश करेगी अगले 10 सालों तक लगातार। और व्हाइट हाउस ने दावा भी किया है कि इससे 2030 तक जो ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन में लगभग 1 अरब टन की कमी भी आएगी। ये इम्पोर्टेंट बातें हैं इसकी। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। देखो, श्रीलंका के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में कि वहाँ पर कई तरह के इकोनॉमिकल क्राइसिस और दिवालिया की पूरी तरह से आपने झलक देख ली है। अब श्रीलंका ऐसा 5वां देश बन गया है जहाँ पर खाद्य पदार्थ की कमी हो गई है, क्योंकि आपने पहले ही देखा कि वहाँ पर कुछ समय पहले खाने और पानी तक बहुत महंगा हो गया था और लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो वर्ल्ड बैंक का आकलन है ये कि अत्यधिक महंगाई वाले 10 देशों में श्रीलंका 5वें स्थान पर शामिल हो गया है। अब ये देश कौन कौन से हैं? सबसे महंगा कोई देश है जहाँ पर खाद्य संकट पैदा हुआ है तो वो लेबनान, फिर जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, तुर्की है। अभी तुर्की का नाम चेंज हो गया है, तुर्की ए, याद रखना तुर्की ए, इसमें आप ए जोड़ देंगे तो तुर्की ए। उसके बाद 5वां स्थान श्रीलंका का आता है, तो 5वें नंबर पर आ गया है। और अभी जो सिचुएशन है भुखमरी और कुपोषण की स्थिति से गुजर रहा है, आगे बीमारियां भी होगी, क्योंकि जब भुखमरी और कुपोषण किसी देश में देखने को मिलता है तो वहाँ पर स्वास्थ्य संकट भी पैदा होता है। तो श्रीलंका की स्थिति अभी बहुत गंभीर है। तो यही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अब बात करते हैं जो दक्षिण अफ्रीकाई देश है मोगादिशु। मोगादिशु को आप मैप में ज़रूर देखें, उसकी राजधानी है सोमालिया। और सोमालिया में ये हुआ कि आतंकी हमला हुआ है। किसने किया हमला, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, कि अलकायदा का एक गुट है जो उससे जुड़ा हुआ है, उसका नाम है अल शबाब, याद रखें अल शबाब। अल शबाब ने यह हमला किया है और जिम्मेदारी ली है। लगभग 30 लोग इस हमले में मारे गए हैं। ये होटल का नाम हयात होटल है। यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि होटल का नाम पूछा जा सकता है सबसे पहले, फिर संगठन कौन सा है अल शबाब। 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और मोगादिशु की राजधानी सोमालिया। जर्मन ने विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू कर दी है, मतलब हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किसी देश ने शुरू की है तो वो सबसे पहले जर्मनी देश है। जर्मनी का एक राज्य है, उस देश का एक राज्य है, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, लोअर सैक्सनी। तो जर्मनी के राज्य लोअर सैक्सनी, लोअर सैक्सनी से शुरू हुआ है और यहाँ से लगभग 14 हाइड्रोजन ट्रेनें चलेगी। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है, फ्रांस की कंपनी है जिसका नाम है अल्स्टॉम, याद रखें अल्स्टॉम कंपनी है जिसने 14 ट्रेनें बनाई हैं। और ये ट्रेनें इको फ्रेंडली रूप से चलेगी, फ्यूल सेल के रूप में काम करेगी। या फ्यूल सेल क्या होगा? इको फ्रेंडली फ्यूल सेल से यूज़ करके, फ्यूल सेल्स में हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एनर्जी पैदा की जाती है। हाइड्रोजन को किसके साथ क्रिया करके? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक एनर्जी बनाएंगे। और इस एनर्जी के बदले में क्या होगा कि ये रिलीज़ क्या करेगा? ये पॉल्यूशन नहीं करेगा, ये बदले में केवल पानी और भाप ही रिलीज़ करेगा, इसलिए इसे इको फ्रेंडली ट्रेन माना गया है। और एक बार में लगभग 1000 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकेगी, 140
किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकेगी, इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इसकी महत्वपूर्ण बातें आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि जर्मन के किस शहर से, किस राज्य से शुरू हो रही है, तो लोअर सेक्सनी से शुरू हो रही है, 14 ट्रेनों का समूह है। और किसने बनाई है, तो कंपनी है एल्स्टॉम, फ्रांस की कंपनी है, एल्स्टॉम ने बनाई है। लगभग इको फ्रेंडली माना गया है इसको, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा पैदा करेगी, पानी और भाप से उत्सर्जन होगा। लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा करने की इसकी क्षमता होगी और 140 किलोमीटर घंटा प्रति रफ्तार होगी। अब इम्पोर्टेंट एक और न्यूज़ है, स्कॉटलैंड की गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है जो पूरे विश्व में अभी तक किसी गवर्नमेंट ने लिया है, और एक तरह से विधिक अधिकार इसे माना गया है। तो देखते हैं कि स्कॉटलैंड की गवर्नमेंट ने क्या किया है जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कंटेम्प्री इशू में। सैनिटरी प्रोडक्ट बनाए हैं इन्होंने, जिसको हम कह सकते हैं पीएट्स प्रोडक्ट एक्ट के तहत इन्होंने सैनिटरी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। अब ये जो प्रोडक्ट हैं वो स्कॉटलैंड की गवर्नमेंट ने एक एक्ट के द्वारा किया गया है, इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है, और फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ वर्ल्ड स्कॉटलैंड ऐसी सरकार है जिसने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। अब बात करते हैं नार्डिक देश के बारे में। नार्डिक देश कंट्री में स्वीडन और फिनलैंड शामिल हैं, और इन्होंने नाटो संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए पहल की थी, और लगभग लगभग इसे स्वीकार किया जा चुका है, मंजूरी मिल चुकी है अमेरिका सीनेट ने, और जल्द ही ये नाटो के देश माने जाएंगे, नाटो कंट्रीज में शामिल हो जाएंगे, मेंबर ऑफ नाटो। ओके, तो स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल होंगे। अभी एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि भारत के विदेश मंत्री कौन है, जयशंकर। तो एस जयशंकर पहली बार लैटिन अमेरिका गए हैं, और तीन देश जो है लैटिन अमेरिका के, वहाँ पर उन्होंने यात्रा की है। 6 दिवसीय यात्रा थी जिसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने यात्रा की। और एक पराग्वे में एक इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट काम यह किया कि यहाँ की राजधानी असुविस्यन, असुविस्यन में एक भारतीय दूतावास भवन का उद्घाटन किया है। तो ये खबर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। एक इम्पोर्टेंट एक और न्यूज़ है कि थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने वहाँ के प्रधानमंत्री प्रत्युन, तो याद रखें प्रयुत्न चान ओ चा, प्रयुत्न चान ओ चा को प्रधानमंत्री के रूप में 8 वर्ष की समय सीमा पूर्ण कर लिए जाने के कारण उन्हें हटा दिया गया है, आम चुनाव से पहले ही हटा दिया गया है। ये कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए। और अंतिम न्यूज़ कुछ और इम्पोर्टेंट है कि भारत के मानव सहायता से संबंधित है, कि अफगानिस्तान ने भारत से हेल्प मांगी है, और भारत ने दवाओं का 10वीं खेप भेज दी है, और अभी तक भारत अफगानिस्तान को 32 टन दवाएं भेज चुका है। ये तमाम दवाएं कोरोना के संदर्भ में देखी जा सकती हैं।